हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी हमारे मार्केट में एक नेगेटिव साइड का सिनेरियो बनता रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि नियरली मार्केट ने 2% की एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दी और उसके बाद भी एक कंटिन्यूएशन मूव मार्केट हमें देता रहा। हालांकि सेकेंड हाफ के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आती हुई दिखी, बट वो सिंपली कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ऑप्शन सेलर्स थे, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी थी, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखे, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड की तरफ मोमेंटम आया और कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम में ही हमारी मार्केट ने हमें क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों, कल जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी है, तो कल के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लेवल्स, क्या टारगेट्स रहने चाहिए कल के लिए हमारे लिए, तो इन सब चीजों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी पर आते हैं, तो निफ्टी में प्री मार्केट सेशन में ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया कि हमारे ग्लोबल क्यूज एंड डाटा दोनों ही हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो एक नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग हमें दे सकती है। और जैसे कि आप देख पाएंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को भी मिली और एग्जैक्टली मैंने आपको कल कुछ लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स पे मार्केट ने बिल्कुल भी एक अच्छा खासा रिएक्ट नहीं करा, एक कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम में ही हमारा मार्केट चलता रहा। अब दोस्तों, कल के लिए हमारे निफ्टी के अंदर क्या रणनीति रहनी चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आप थोड़ा सा प्रीवियसली पीछे से आके देखेंगे तो निफ्टी में एक प्रीवियसली, जैसे कि आप एक रेड लाइन देख पा रहे हैं, एक रेड जोन देख रहे हैं, निफ्टी के लिए एक प्रीवियसली सपोर्ट जोन प्रोवाइड हो रहा था ये, जिसको मार्केट ने एक बहुत बड़े गैप के साथ ब्रेक कर दिया और आप देख पाएंगे उसके बाद मार्केट में एक इनडिसिसिव रेंज चल रही है, एक काइंड ऑफ साइडवेज मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर, कहीं भी मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और एग्जैक्टली दोस्तों, कल भी हमें एक हो सकता है कि एक साइडवेज ओपनिंग देखने को मिले, और अगर आपको दोस्तों साइडवेज ओपनिंग मार्केट के अंदर देखने को मिलती है तो मैं आपके लिए कुछ लेवल्स बना के लेके आया हूं और इन लेवल्स की रिस्पेक्ट ही मार्केट इस रेंज के अंदर हमें दे रहा है। आप देख पाएंगे अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हमें देता है और इस फ्लैट ओपनिंग के बाद कंप्लीटली इस रेंज का ब्रेकआउट हमें देता है, जो कि आपके लिए मैं थोड़ा सा लेवल्स भी प्लॉट कर देता हूं, आप देख पाएंगे जो ऊपर की तरफ आपका लेवल है दोस्तों वो है आपका 16,440 के आसपास का लेवल। जैसे दोस्तों ये रेंज आपकी ब्रेक होती है, आप इसके अंदर पॉजिटिव साइड के लिए अपनी एंट्री डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें आपको एक जो टारगेट है वो बहुत अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग टारगेट देखने को मिल सकता है। नियरली अराउंड दोस्तों आप जो अपने हाफ प्रॉफिट्स है वो कहीं ना कहीं 16,750 के पास बुक कर सकते हो और उसके बाद आप कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अपने प्रॉफिट्स को एक्सटेंड करके चल सकते हो। बट दोस्तों, एक फ्लैट ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो वापस से आता है और कहीं ना कहीं हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपका 16,480 के आसपास की ये रेंज है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर डायरेक्टली वापस से अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करके चल सकते हो और जो अपना टारगेट है वो नेगेटिव साइड पर भी एक बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप मैंने आपको निफ्टी की एनालिसिस क्लियरली समझा दी होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल रणनीति है हमारी कल के लिए। ये लेवल्स हैं, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे कल हम अपने निफ्टी को ट्रेड करके चलेंगे और कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम चेस जब करेंगे हम कहीं ना कहीं बीच में ही हाफ प्रॉफिट्स को बुक करके अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक इंडेक्स पे, जो कि आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके दिखाना पसंद करूंगा कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आप मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बहुत बार बताया है कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है इस ट्रेंड लाइन पे से। आप देख पाएंगे यहाँ पे से इसने दो बार सपोर्ट ली, यहाँ से तीसरी बार सपोर्ट ली, यहाँ से इसने फोर्थ टाइम सपोर्ट ली। और दोस्तों, ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम है, जिसका मतलब निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने हमारे दो वीक कंटिन्यू टू वीक्स यहाँ पे से सपोर्ट ली, यहाँ पे तीन चार फोर वीक्स फाइव सिक्स एंड सेवन वीक्स दोस्तों 7 हफ्ते मार्केट इसी रेंज के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड कर रहा है। और एग्जैक्टली आज भी बैंक निफ्टी हमें निफ्टी के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव दिखा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस भी एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास आई है। तो कहीं ना कहीं हमें दोस्तों ये क्लियरली शो हो रहा है कि मार्केट इस लेवल को बार बार एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ फेस कर रही है और इसको ब्रेक करने के मूड में मार्केट अभी हमें नहीं दिख रही। तो एग्जैक्टली इस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए हम बैंक निफ्टी को जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए ही ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी इसमें फाइंड करके चलेंगे। और अगर आपका कल बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपका, मैं आप प्लॉट भी कर देता हूं, जो कि आपका 35,600 के आसपास का लेवल है, अगर आपका कल बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है
तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर डायरेक्टली अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करके चल सकते हो, और जो अपना टारगेट है वो टारगेट मैं आपको कोई प्लॉट करके नहीं दूंगा, आप कहीं ना कहीं अपना 1:2 का टारगेट लगा के बैंक निफ्टी में चल सकते हो। अब दोस्तों नेगेटिव साइड पर अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के बिलो हमारी एक डेली कैंडल सस्टेन हो, तो मार्केट को कल तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव साइड की तरफ नहीं देखना है, बट पॉजिटिव साइड पे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करके चल सकते हो। दोस्तों बैंक निफ्टी को आप पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करके चल सकते हैं, और अगर आपका निफ्टी एक नेगेटिव साइड पे फॉल देता है तो आप निफ्टी को नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हमारे स्टॉक्स के लिस्ट पे, जो बेस्ट 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए कल के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ वो है आपका ऑरो फार्मा। फार्मा सेक्टर्स का दोस्तों ये स्टॉक है, और इसके अंदर मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, एक सिंपल प्रोजेक्शन इसमें बनता हुआ हमें दिख रहा है। आप देख पाएंगे एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न हमें इसमें बनता हुआ दिख रहा है, और नियरली अराउंड दोस्तों 25 तारीख से एक पैटर्न के अंदर, एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है हमारा ऑरो फार्मा। और कल के दिन अगर हमें ये ब्रेक दे देता है एक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का, जो कि आपको बाइंग इनिशिएट करनी है 623 के लेवल पे, जिसमें आपको जो बाइंग साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 619 के लेवल का रहने वाला है, और जो आपका दोस्तों टारगेट रहेगा वो पॉजिटिव साइड पे फर्स्ट टारगेट आप 629 के लेवल का रख के चलेंगे, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो 633 के आसपास आप लगा के चल सकते हो। बट दोस्तों अगर आपका ऑरो फार्मा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और कहीं ना कहीं आपका ये जो इसका आज के दिन का हाई आज के दिन का लो है, ये रेंज ब्रेक कर देता है जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 615 का, आप इसके अंदर डायरेक्टली अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 618 का लगा के अपना जो टारगेट है वो काफी बड़ा रख के चल सकते हो, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपका 609 का रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो तो काफी बड़ा 605 के लेवल पे आप अचीव कर जाओगे। बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करेंगे कि आपका जो स्टॉक है ये ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के बिलो या फिर अबव सस्टेन करे। जब तक सस्टेन नहीं करता दोस्तों आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट हो। अगर आपका एक हमारे जो ट्रेड है वो इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं या बिलो सस्टेन कर जाते हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको हमारे स्टॉक्स के अंदर आता हुआ देख सकता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैं थोड़ा सा आवर्ली टाइम फ्रेम पे आके आपको दिखाना पसंद करूंगा, और एग्जैक्टली पहले प्रोजेक्शन बताना पसंद करूंगा कि क्या प्रोजेक्शन हमें दिख रहा है। तो इसमें भी दोस्तों मैं थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको एक रेंज बनती हुई दिख रही है, जिसमें बार बार एक सपोर्ट फाइंड कर रहा था, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे अब दोस्तों इस सपोर्ट का ब्रेक कर चुका है ये। अब इस सपोर्ट का जैसे ही हमें एक ब्रेक मिल चुका है और डेली कैंडल्स इसके बिलो सस्टेन कर चुकी हैं, और आप आवरली टाइम फ्रेम पे एक प्रोजेक्शन देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे इसका एक रीटेस्ट भी हमें मिल चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक करा और इसका रीटेस्ट सक्सेसफुल हमें मिल चुका है। अब मार्केट अगर कंटिन्यूएशन फॉल हमें देती है और हमारा प्राइस एक लेवल को ब्रेक करता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 265 के आसपास का लेवल है, हम इसमें अपनी एंट्री जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके चल सकते हैं, जिसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 266 का रहने वाला है, और जो आपका टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आप 263 का लगा के चलेंगे, और जो सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट 261 के लेवल पे आप लगा के चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है आपका पिडिलाइट। दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें भी मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्शन हमें इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा है, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट ही हमें देता हुआ आ रहा है। अब आप देख पाएंगे कल अगर हमें इसके आप देख यहाँ पे प्रीवियसली जो इसको सपोर्ट की तरफ फेस हो रहा था, ये रेंज यहाँ पे बार बार इसको सपोर्ट की तरफ फेस हो रही थी, अब ब्रेकआउट के बाद इसको रेसिस्टेंस की तरह फेस हो रही है, और कहीं ना कहीं कि प्रीवियसली ट्रेंड लाइन भी है जो मार्केट को सपोर्ट फेस करवा रही है। अगर दोस्तों कल हमारे इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट जोन का जो कि इसको रेसिस्टेंस की तरह फेस हो रहा है, इसको ब्रेक मिल जाता है और हमारा एक ये स्टॉक लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 2412 के आसपास का लेवल है, हम कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी एंट्री है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके चल सकते हैं, जिसमें अपना अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 2402 पे लगा के चलेंगे, जिसमें हमारे जो टारगेट है दोस्तों वो फर्स्ट टारगेट आपका 2430 का रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो 2440 के लेवल पे रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका
प्राइस इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो आप इन लेवल्स पे प्राइस हो या ना हो, आप अपने ट्रेड को डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट करके चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो कि कल के लिए हमारा आखिरी स्टॉक रहने वाला है, वो मैंने आपको कल भी दिया था, जो कि था आपका रेक एलटीडी। दोस्तों रेक एलटीडी में आप देख पाएंगे तो आज के दिन आपको कोई भी मोमेंटम नहीं मिल पाया, एक कंप्लीटली साइडवेज हमारी मार्केट चलती रही, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो एक साइडवेज मोमेंटम में ही हमें रेक एलटीडी में क्लोजिंग मिल गई। तो अब दोस्तों कल आज के दिन भी इसने कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव साइड पे ही क्लोजिंग दी है, ऐसा एक मोमेंटम दिख रहा है कि एक पेंडिंग मोमेंटम है जो रेक एलटीडी हमें कल के दिन दे सकता है। अब दोस्तों कल के लिए भी मेरे कोई लेवल्स में चेंज नहीं है, आपको इसके अंदर जो अपनी एंट्री है वो एग्जीक्यूट करनी है 123 के लेवल पे ही, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका 122 के आसपास के लेवल पे ही रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 124.5 का रहने वाला है, और जो सेकेंड टारगेट है वो 125 के आसपास के लेवल पे आप लगा के चल सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसमें कहीं ना कहीं 125 के बाद भी अपनी, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो हाफ प्रॉफिट्स को बुक करके कहीं ना कहीं अपने जो स्टॉप लॉस का उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के एक अच्छा खासा मोमेंटम और भी अचीव करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंट्राडे स्टॉक्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।